नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। दोस्तों, रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन आ रही है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की तरफ से, जहां पर वैकेंसी निकाली गई है स्पेशल सर्वे क्लर्क के लिए। कुल मिलाकर के 550 वैकेंसीज निकाली गई हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे इस नोटिफिकेशन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जो आवेदन करने से पहले आपको जानना जरूरी है। मगर उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल रोजगार अवसर सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दबाएं बेल आइकन ताकि आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन आ रही है बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म की तरफ से। स्पेशल सर्वे क्लर्क के लिए बेसिकली वैकेंसीज निकाली गई हैं। कुल मिलाकर के 550 वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो एक बहुत ही अच्छा मौका है सभी कैंडिडेट्स के लिए कि वो इसके लिए आवेदन ज़रूर करें। बेसिकली अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट्स, किसी भी ब्रांच से ग्रेजुएट्स जो हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 से 42 साल तक की एज लिमिट रखी गई है। सबसे अच्छी बात यही है कि 18 से 42 साल तक की एज लिमिट रखी गई है, काफ़ी अच्छी खासी एज लिमिट रखी गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो इसके लिए आवेदन करें। ग्रेजुएट्स कैंडिडेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो वो भी अच्छी खासी दी जा रही है, 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जा रही है। और यही नहीं, इसके अलावा और भी अलाउंसेज हैं जो आपको इस सैलरी के साथ दिए जाएंगे, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आगे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये जॉब है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इस नोटिफिकेशन की, कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। हालांकि इस टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है आगे जाकर के, एक साल के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया जाएगा, जो कि नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन करा गया है। एक और अच्छी चीज़ है नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई कि ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होनी है, इसमें कोई रिटर्न एग्जाम इस वैकेंसी के लिए नहीं रखा जाएगा। टोटली मेरिट के बेसिस पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और उसी के बेसिस पर ये रिक्रूटमेंट की जाएगी। 11 मार्च 2019 से इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुरू होने हैं और 1 अप्रैल 2019 तक इसके लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अभी इसके लिए पोर्टल नहीं खुला है आवेदन करने का, जैसे ही खुलेगा तो हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम इसके लिए आवेदन करने के लिए एक एक स्टेप की बात बताएंगे आपको। ऑनलाइन माध्यम से, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। lrc.bih.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर जाकर के आपको इससे रिलेटेड सारी जरूरी जानकारियां मिलती रहेंगी। हालांकि इसके लिए आवेदन करने का लिंक और इस पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, जहां पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कटिंग्स हैं दोस्तों नोटिफिकेशन की, जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, इनको आप देखिए। कुल मिलाकर के 550 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 88, अनुसूचित जनजाति के लिए 6, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 99, पिछड़े वर्ग के लिए 66, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 16 और अनारक्षित 220 सीटें हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 55 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सैलरी की बात की जाए तो स्नातक यानी कि ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और सैलरी रखी गई है 25,000 रुपये पर मंथ। हालांकि इसमें TA, DA और आचार्य इंक्लूड नहीं है, जिसको मिला देने के बाद यह सैलरी और भी ज़्यादा अच्छी जाती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की अवधि रखी गई है 31 मार्च 2020 तक। हालांकि इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है एक साल के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये चीज़ें एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों इसके लिए आवेदन करने से पहले। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, जैसे कि मैंने आपको बताया, परमानेंट जॉब नहीं है। एक बार आप पूरी नोटिफिकेशन को फिर भी ध्यान से पढ़ लें और उसी के बाद आवेदन करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को इस वैकेंसी के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, अगर आप भी पाना चाहते हैं सबसे जल्दी अपडेट्स किसी भी लेटेस्ट सरकारी नौकरी के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर के आते हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी से जुड़ी खबरें सबसे पहले।